हेलो एवरीवन वेलकम टू पवन वाग एकेडमी दिस साइड अंकिता एंड यू ऑल आर वाचिंग द नेक्स्ट पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 15 हाइड्रोकार्बन स्टैंडर्ड इलेवेंथ महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड यस गाइस तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे आपका नेक्स्ट वाला पार्ट चैप्टर नंबर 15 हाइड्रोकार्बन स्टैंडर्ड एवंथ महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का तो गाइज़ लास्ट वाले क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कौन से कौन से अलग अलग टाइप के प्रिपरेशन होते हैं आपके अल्किस के उसमें हम लोगों ने देखा था कि कैसे आप लोग इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन करवाते हो अल्केस का इंडस्ट्रियल सोर्स से है, है ना जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स और उसके बाद में नेचुरल गैस पेट्रोल्स ये सारी चीज़ों से आप कैसे क्या अल्कीन को बनाएंगे ये देखा था सेकेंड हम लोगों ने देखा था आपका प्रिपरेशन फ्रॉम अनसेचूरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें हम लोगों ने देखा था कि आप लोग अल्किन से मतलब ही कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से कैसे क्या बनाएंगे हाइड्रोकार्बन्स को मतलब ही अल्केस को और हमने ये भी देखा था कि अल्काइन से मतलब ही कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन कार्बन कार्बन, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाले कंपाउंड से कैसे क्या आप लोग बनाएंगे अल्किन्स को लास्ट वाले क्लास में हम लोगों ने देखा था रिडक्शन ऑफ अल्किल हिलाइट भी कि कैसे क्या आप लोग रिडक्शन करवाएंगे अल्किल हिलाइट का और उससे अल्किन को बनाएंगे और लास्ट वाले क्लास में हम लोगों ने वुड्स रिएक्शन भी देखी थी तो चलिए चलिएगा उसी के कंटिन्यूशन में हम लोग मूव करते हैं अपने आगे के रिएक्शन की तरफ जो कि है आपका रिएक्शन विथ ग्रिगनाड रीजन मतलब कैसे क्या आप लोग अल्किस को मतलब ही हाइड्रोकार्बन को प्रिपेयर करेंगे फ्रॉम ग्रिगनाड रीजन वो अभी हम लोग देखने वाले हैं ये जो रिएक्शन है ये टेक्स्ट बुक में वुड्स रिएक्शन के बाद में है तो ऐसा मत सोचना कि मैंने वुड्स रिएक्शन कराया नहीं भाई वुड्स रिएक्शन तो मैं लास्ट वाले क्लास में ही करवा चुकी हूँ है ना तो उसी के कंटिन्यूशन में जहाँ पे हम लोगों ने लास्ट वाले क्लास में स्टॉप किया था लेट्स रिस्टार्ट फ्रॉम द फ्रॉम द ग्रिगनाट रीजन चलिए स्टार्ट करते हैं तो अभी हम लोग देख रहे हैं आपका प्रिपरेशन ऑफ और हाइड्रोकार्बन्स अभी हम लोग देख रहे हैं कि कैसे क्या आप लोग को या हाइड्रोकार्बन्स को प्रिपेयर करेंगे फ्रॉम ग्रिगनाट रीजन अब दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है प्रिपेयर तो हम कर लेंगे उसका टेंशन क्या है लेकिन पहले हमको ये तो बताओ ये रिग्नाड रीजन क्या चीज़ है Osionfish. क्योंकि ये तो नाम जाना पहचाना सा लग रहा है लेकिन याद नहीं आ रहा है क्या है है ना मुझे पता है सभी की कंडीशन ऐसी है सभी को ये ग्रट रियजेंट वाला नाम तो जाना पहचाना सा लग रहा है ऐसा लग रहा है कहीं तो भी सुना है कहाँ सुना है वो याद नहीं आ रहा क्या है वो भी नहीं पता लेकिन नाम जाना पहचाना सा लग रहा है लग रहा है ना भाई तो चलिए भाई सबसे पहले देखते हैं ग्रिगनाट रियजेंट क्या होता है ये ग्रिगनाट रिएजेंट को प्रिपेयर कैसे करते हैं और तभी जाके तो समझ में आएगा कि हाइड्रोकार्बन कैसे बनाएंगे येस और नो चलिए भाई देखते हैं देखो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे सबसे पहले आप लोग लेंगे आरएक्स को ठीक है आरएक्स का मतलब ही क्या होता है अलगे थलाइड उसमें लेंगे आप लोग मैग्नीशियम मेटल को यह आप किसको लेंगे यह आप लेंगे मैग्नीशियम मेटल को और इसके अंदर हम लोग डालेंगे ड्राई ईथर को ठीक है ड्राई ईथर का रोल ये है कि वो एक ड्राई एटमॉस्फेयर को मेंटेन रखता है क्योंकि क्या होता है ये जो मैग्नीशियम मेटल है ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल होता है जैसे कि सोडियम मैग्नीशियम लिथियम सोडियम सोडियम ये सारे जितने भी मेटल्स हैं ना ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होते हैं अगर एक कहीं पे भी आपको वाटर का ड्रॉप भी दिख गया ना तो ये उसके साथ रिएक्ट कर जाते हैं और उसके वजह से फायर लग जाती है उसकी वजह से आग लग जाती है तो क्या होता है ना ये मेटल जो होता है ग्रिगनाट रिएजन नहीं मैं किसकी बात कर रही हूँ मैं मेटल की बात कर रही हूँ मेटालिक मैग्नीशियम मेटालिक सोडियम मेटालिक पोटेशियम मेटालिक लिथियम ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होते हैं एक ड्रॉप भी अगर वाटर का दिखा ना तो वो वाटर को कैच कर लेते उसके साथ रिएक्ट कर जाते और आग लग जाती है तो इसीलिए हम लोग क्या करते हम लोग ये रिएक्शन को करना चाहते हैं सेफली तो सेफली करने के लिए हम लोग इसके अंदर में डालते हैं ड्राई इथर ड्राई इथर एक ड्राई कंडीशन को मेंटेन रखता है और उसके वजह से जो भी आपकी रिएक्शन है उसमें कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होती है अब देखो यहाँ पे क्या होगा सभी लोग यहाँ ध्यान से देंगे यहाँ पे जो भी मैग्नेशियम है ना मैग्नेशियम वो एड होता है बीच में कैसे बोलेंगे बीच बीच में मैग्नेशियम जो है ना वो तो हमेशा एड होता है कैसे बीच बीच में मैग्नेशियम जो है ना वो तो हमेशा ऐड होता है कैसे बीच बीच में याद रखना मैग्नेशियम तो हमेशा बीच बीच में एड होता है इधर देखो भाई सारे के सारे ये है आपका आर ये है आपका एक्स समझे या नहीं समझे ये आर है ये एक्स है मैग्नेशियम का एडिशन कहाँ पे होगा बीच बीच में समझे या नहीं समझे बीच बीच में बीच बीच में बीच बीच में याद रखना मैग्नेशियम का एडिशन पे होता है बीच बीच में ये है आपका ग्रिगनाड रीजन क्या बोलते हैं भाई इसको इसको हम लोग बोलते हैं ग्रिगनाड रीजन समझे या नहीं समझे ये है आपका अल्किल हलाइड अब देखो भाई अब आपका ग्रिगनाड रेजेंट मतलब ही आपका जो जी है जी का मतलब ही क्या होता है ग्रिगनाड रेजन वो तो बन गया अब अगर ग्रिगनाड रेजेंट बन गया तो क्या आप लोग अब अल्किन को बना सकते हो बिंदास बना सकते तो याद रखना है कि सबसे पहले आप लोग अल्कि लाइट को लेंगे मतलब ही आर ये जो एक्स है ये फ्लोरिन फ्लोरिन ब्रोमिन आइड्रीन में से कुछ भी हो सकता है इसमें आप डालेंगे मैग्नीशियम मेटल को और ये रिएक्शन करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई थर तो होता क्या है मैग्नेशियम जो है वो ऐड होता है कहाँ पे होता है बीच बीच में मैग्नेशियम कहाँ पे ऐड होता है बीच बीच में हो गया भाई बीच में ऐड ना तो लेफ्ट में ना तो राइट right में कहा पे ऐड होता है मैग्नेशियम बीच बीच में हो गया भाई बीच में हो गया क्या बना रीजल्ट फॉर्मूला क्या है आर एम जी एक्स ठीक है चलिए अब आएंगे हम लोग देखेंगे प्रिपरेशन को कि कैसे क्या हम लोग को प्रिपेयर करवाना है देखो भाई सभी लोग यहाँ पे ध्यान से तो देखेंगे अब अपन देखेंगे प्रिपरेशन को कि एक्चुअली कैसे क्या हम लोग प्रिपेयर करेंगे अल्केन को ध्यान देंगे भाई सभी लोग सबसे पहले देखो आप लोग क्या करेंगे सबसे पहले आप लोग यहां से ग्रिगनाड को लेंगे जैसे कि आर एम जी एक्स इसके अंदर में डालेंगे वाटर को देखो भाई ये सबसे पहली और सबसे काम की चीज़ तो ये है कुछ लोग सोचेंगे क्या हमेशा बी आर एल लेना है नहीं भाई नहीं आपको याद रखना कि ये जो एक्स है ना इस एक्स का मतलब क्या होता है हेलोजन होता है तो आप वहाँ पे ब्रोमीन भी ले सकते हो आप वहाँ पे क्लोरीन भी ले सकते हो आप वहाँ पे आयोडीन भी ले सकते हो सभी चीज़ें चलती है ऐसा मत सोचना कि यही चलेगा वही चलेगा सभी कुछ चलता है मैं अलग अलग हेलोजन ले लेती हूँ तीनों केसेस में तो आपको उससे एक आइडिया मिल जाएगा कि सभी चीज़ें चलती है ऐसा मत सोचना कि ब्रोमीन ही चलेगा क्योंकि मैंने ब्रोमीन लिखा है या बुक में सिर्फ क्लोरीन है तो क्लोरीन ही हम करेंगे आयोडीन वाला नहीं रहेगा ऐसा नहीं है आप कुछ भी ले सकते हैं इसलिए मैंने क्या किया तीनों एग्जाम्पल में एक में ब्रोमीन लिया एक में ब्रोमिन क्लोरिन लिया एक में आयोडीन लिया जिससे आपका ये वाला डाउट क्लियर हो जाए कन्फ्यूजन क्लियर हो जाए कि कोई भी हेलोजन को हम लोग ले सकते हैं अब देखो कर क्या रहे सबसे पहली और सबसे काम की चीज़ ये है कि वैसे अगर आप लोग रेजन की रिएक्शन करवाते हो तो वहाँ पे आपने ड्राई था डाला ही था तो वही तो रिएक्शन ये वाली है ना कुछ अलग थोड़ी है उसी रिएक्शन का आगे का पार्ट ये तो अगर आपने इस रिएक्शन में ड्राई थर डाला है मतलब बोलने की बात है क्या भाई नहीं नहीं इसमें इसमें भी ड्राई ड्राई ऑटोमेटिकली रहेगा इसमें आप लोग फिर से ड्राई नहीं डालने वाले हो एक चीज जरा समझ लो मेरी बात को इसमें आप लोग फिर से ड्राई थर को नहीं डालेंगे क्यों ऐसा क्योंकि ड्राई ड्राईथर एक बार डाल दिया ना तो वो ड्राई थर रहेगा ही रहेगा रिएक्शन में है ना आप तो रिएक्शन को यहां से स्टार्ट करेंगे पहले ये बनेगा फिर ये कंटिन्यूशन में ये बनेगा लेकिन ड्राई इथर तो पहले ही डाल दिया था ना तो वही वाला ड्राई थर मैंने फिर से लिखा ठीक है इतना आई होप सभी को क्लियर हो गया चलिए भाई अब जरा इधर देखो ये जो वाटर है ना ये एच टू ओ है क्या है ये एच टू ओ है तो इसी वाटर को देखो हम लोग और कैसे लिख सकते हैं सभी लोग यहाँ पे ध्यान देंगे इसी वाटर को आप लोग ऐसा भी तो लिख सकते हो भाई इधर देखो एच ओ एच लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते बिल्कुल लिख सकते हैं ऐसा नहीं लिखना है तो ऐसा लिखो ओ एच एच ऐसा भी लिख सकते हो कोई फर्म नहीं है तो देखो भाई ये क्या है फॉर्मूला क्या है वाटर का एच टू ओ आपने जो वाटर का फॉर्मूला लिखा वो क्या है वो है आपका एच टू ओ तो एच कितने हैं दो यहाँ पे भी देखो एच कितने हैं दो ऑक्सीजन कितना है एक यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितना है एक तो आपने यहाँ ये देखा कि आप एच टू को ऐसा लिखो या ऐसा लिखो कोई फर्क पड़ता है क्या है तो वो एच टू ही ना है तो वो वाटर ही ना है तो वो पानी ही ना नीचे आओ नीचे भी उसको वैसे ही लिख सकते हैं जरूरी थोड़ी वो को ऐसा लिखेंगे अगर आपकी इच्छा ऐसी करती तो आप ऐसा लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता भाई ऐसा मत सोचना कि बुक में ऐसा है तो मैं ऐसा ही लिखूंगा जो तरीका आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है ना वैसा आप लिखो है सभी एक जैसे अब देखो क्या होगा सभी लोग यहाँ पे एकदम ध्यान से देखेंगे एकदम ध्यान से सबसे पहले सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट को कर देंगे घर के बाहर सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट को कर देंगे रिएक्शन के बाहर सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट को कर देंगे घर के बाहर सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट को कर देंगे रिएक्शन के बाहर कर दिया भाई चलिए भाई चलिए आओ सारे के सारे इधर आओ ध्यान से देखना एकदम ध्यान से देखेंगे यहाँ पे क्या था यहाँ पे था आपका एम जी यहाँ पे था आपका एक्स यहाँ पे था आपका ओ एच देखो यही बाय प्रोडक्ट बनेगा या नहीं बनेगा जल्दी बताओ ये एम जी था तो मैंने यहाँ एम जी लिखा या आपका एक्स है तो मैंने यहाँ एक्स लिखा या आपका ओ एच है तो मैंने यहाँ ओ एच लिखा हुं? वही तो है भाई कुछ नया थोड़ी क्या सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट को कर देंगे रिएक्शन के बाहर सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट को कर देंगे घर के बाहर यस और नो नीचे आओ नीचे यहाँ पे क्या है यहाँ पे है आपका एम जी यहाँ पे है आपका बी आर और यहाँ पे है आपका ओ एच OH. ठीक है नीचे वाले रिएक्शन में आओ भाई नीचे वाले रिएक्शन में यहाँ पे क्या है यहाँ पे है आपका एम जी यहाँ पे है आपका I और यहाँ पे है आपका ओ OH. एच लिख दिया भाई इस चीज को और नीचे आओ यहाँ पे है आपका एम जी यहाँ पे है आपका सी एल और यहाँ पे है आपका ओ एच कर दिया सभी जगह पर रिएक्शन एक जैसी चाहिए। कुछ नया नहीं है वही काम किया हर जगह पर देखो वही काम किया सिर्फ हेलोजन चेंज होते गए लेकिन काम तो वही किया ना भाई अब क्या करेंगे जो भी चीज बच जाएगी ना जो भी चीज बच जाएगी ना उनको जोड़ देंगे उनको चिपका देंगे और प्रोडक्ट को बना लेंगे भाई इधर देखो भाई सारे के सारे इधर देखो जो भी चीज बच जाएगी ना जो भी चीज़ बच जाएगी ना भाई उनको जोड़ देंगे उनको चिपका लेंगे और प्रोडक्ट को बना लेंगे समझे या नहीं समझे तो करना क्या है सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट को कर देंगे रिएक्शन के बाहर घर के बाहर जो भी चीज़ बच जाएगी ना उसको जोड़ देंगे उसको चिपका लेंगे और प्रोडक्ट को बना लेंगे इधर आओ भाई ये क्या है ये है आपका आर और ये क्या है ये है आपका एच यहाँ पे बचा था आर यहाँ पे बचा था एच उनको जोड़ दिया उनको चिपका लिया और क्या बना लिया मैंने अल्किन को यहाँ पे क्या बचा है यहाँ पे बचा है आपका सी एच थ्री और यहाँ पे क्या बचा है यहाँ पे बचा है आपका एच अब ये जो सी एच थ्री एच है क्या हम लोग इसको सी एच फोर नहीं लिख सकते देखो भाई यहाँ पे कार्बन कितना था एक हाइड्रोजन टोटल कितने यहाँ थ्री है यहाँ वन है थ्री प्लस वन कितना होता है फोर नीचे आओ यहाँ पे देखो क्या प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पे बनेगा आपका सी एच थ्री ये है आपका सी एच टू और ये क्या है ये है आपका एच अब क्या हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते क्या देखो सी एस थ्री सी एस थ्री येस और नो बिल्कुल लिख सकते हैं अगर आपको ऐसा नहीं समझ में आता ऐसा लगता है कि भाई मुझे थोड़ी पता चलेगा कि मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ तो मत लिखो ऐसा भी लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई मार्क्स आपका कोई काट ही नहीं सकता है ये भी करेक्ट है ये भी करेक्ट है अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे एग्जाम के टाइम पे थोड़ी याद रहेगा कि इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ ऐसा ही लिखो ना जैसा आता है वैसा ही लिखो कौन बोलता है कि ऐसा ही लिखो जैसे आपकी इच्छा वैसा करो भाई ठीक है अब जरा इधर आ जाओ यहाँ पे क्या है यहाँ पे है आपका सी एच थ्री और ये है आपका सी एच टू और ये है आपका एच ठीक है थीके? इसी को आप ऐसा भी लिख सकते सी एच थ्री सी एच थ्री ऐसा कैसा लिख रहे है? देखो भाई यहाँ पे दो हाइड्रोजन है यहाँ पे एक है टू प्लस वन थ्री तो आप ऐसा भी लिख सकते हो ठीक है चलिए अब अपन लोग सारे के सारे चीजों के नाम लिखते हैं क्योंकि नाम लिखे बिना थोड़ी अपना काम होगा नाम लिखे बिना नो वन इज गोइंग टू गिव यू द मार्क्स चलिए भाई नाम लिखते ध्यान देना यहाँ पे ये जो सी एस थ्री एम जी बी आर है ना सी एस थ्री एमजी बी आर इसका नाम होता है मिथिल सी एस थ्री का मतलब होता है मिथिल एमजी का मतलब मैग्नीशियम और बी आर का मतलब ब्रोमाइड तो इसका नाम रहेगा मिथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड यहाँ पे ये क्या है दो कार्बन वाला लिखिल है तो क्या बोलेंगे इसको इथिल इसका नाम क्या रहेगा इथिल एम का मतलब मैग्नेशियम जैसे बी का मतलब ब्रोमाइड होता है तो आई का मतलब क्या होगा आयोडाइड नीचे आओ भाई ये क्या है दो कार्बन वाला अल्किल है तो दो कार्बन वाले अल्किन का नाम होगा इथिल Mg का मतलब होगा आपका मैग्नेशियम और सीएल का मतलब क्या होगा जैसे बी का मतलब ब्रोमाइड आई का मतलब आयोडाइड तो सीएल का मतलब क्या होगा क्लोराइड ठीक है ये तो आपके वाटर ही है भाई अब यहां पे क्या बना है ये बना है अल्केन एक कार्बन वाले अल्केन का नाम मिथेन दो कार्बन वाले अल्केन का नाम इथेन और तीन कार्बन वाले अल्केन का नाम क्या होता है प्रोपेन ठीक है इसको आप एन प्रोपेन या वन प्रोपेन भी बोल सकते अब देखो इसका नाम क्या है ये है ओ एच ओ तो OH को बोला जाता है हाइड्रोक्सी ओ को क्या बोला जाता है हाइड्रोक्सी एम का मतलब मैग्नेशियम और एच का एक्स का मतलब हलाइड तो आप लोगों ने यहां ये देखा कि ओ एच का मतलब होता है हाइड्रोक्सी एम का मतलब होता है मैग्नेशियम और एक्स का मतलब होता है हलाइड इधर आ जाओ इसका नाम देखो क्या रहेगा ओ मतलब आएगा हाइड्रोक्सी एम मतलब मैग्नेशियम और बी मतलब ब्रोमाइड यहाँ पे ओ मतलब हाइड्रोक्सी एम मतलब मैग्नेशियम और आई मतलब आयोडाइड नीचे आओ यहाँ पे ओ OH मतलब होगा हाइड्रोक्सी एम का मतलब होगा मैग्नेशियम और सी का मतलब होगा क्लोराइड ठीक है तो इस टाइप से आप लोग ये सारे के सारे रिएक्शंस को करवा सकते हो लेकिन याद रखना रिएक्शन करवाते समय अगर आपने ड्राई थर नहीं डाला तो आपके मार्क्स वहाँ डिडक्ट हो जाएंगे रीजन उसका सबसे बड़ा यह है क्योंकि ड्राई थर वहाँ पे एक ड्राई एटमोस्फेयर को क्रिएट करता है जिसकी वजह से जो भी मैग्नीशियम मेटल है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है लेकिन रिएक्शन सेफली हो जाती है प्रोटेक्टिव फॉर्म में क्योंकि ये ड्राई एटमोस्फेयर को मेनटेन रखता है देखो ड्राई थर से पानी का कोई लेना देना नहीं है आपको एक चीज़ याद रखना है ड्राई थर तो हम लोग फर्स्ट वाले रिएक्शन में डाल रहे हैं क्योंकि फर्स्ट वाले रिएक्शन में मैग्नीशियम है जो बहुत ज़्यादा एक्टिव है एक बार ये बन गया तो उतना इतना कोई डर नहीं रहता है लेकिन ये जब जब तक ये कंबाइन नहीं होता है किसी के साथ तो बहुत डर रहता है आग लगने का इसलिए अपन ये डालते हैं क्योंकि हाईली रिएक्टिव होता है मेटालिक फॉर्म में कोई भी चीज़ बहुत रिएक्टिव होती है एक बार उसका रिएक्शन हो गया फिर वो उतना नहीं रहता है यहाँ पे आपको याद रखना है नाम नहीं दिया तो आपके मार्क्स कट जाएंगे मैंने कुछ अलग अलग वेराइटी ली हेलोजन हम लोग कोई भी यूज कर सकते हैं ठीक है एक और बात जो सबसे काम का पॉइंट है वो ये है कि जो भी आपका मैग्नेशियम रहता है मैग्नीशियम ग्रुप टू का एलिमेंट है और मैग्नीशियम ग्रुप टू का एलिमेंट है करके मैग्नीशियम के ऊपर कितना चार्ज आता है प्लस टू उसी का मतलब ये होता है कि जो भी मैग्नीशियम है वो किसी भी दो एलिमेंट के साथ में कंबाइन होता है कभी कभी दिमाग में क्वेश्चन आता है कि मैग्नीशियम दो दो के साथ में कैसे क्या जुड़ रहा है एक के साथ में जुड़ना चाहिए तो उस वक्त आपको याद रखना है कि मैग्नीशियम बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी बेटा मांगे जो भी आपके सारे के सारे ग्रुप टू के एलिमेंट है है ना

तो चलिए लेट्स मूव हेड विद द नेक्स्ट पार्ट जिसमें हम लोग देखेंगे पोलारिटी ऑफ अल्किल पोलारिटी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स की जो भी आपके हाइड्रोकार्बन्स होते हैं मतलब जो भी आपके अल्केन्स होते हैं वो कैसे क्या पोलारिटी को दिखाते हैं क्या होता है पोलारिटी पोलारिटी अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर में है या नहीं है तो किस टाइप के फोर्सेस वहां पर रहेंगे फोर्सेस जो होते हैं वो कौन से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं वो सारी चीज़ें अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के अंदर में तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना डिस्कस करते हैं पोलैरिटी वाले पार्ट को तो अभी हम लोग देख रहे हैं पोलैरिटी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स कि जो भी आपके हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनका नेचर कैसा होता है वो पोलार नेचर के होते हैं या नॉन पोलार नेचर के होते हैं वो सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे अपनी प्रॉपर्टी पोलरिटी के अंदर में तो चलिए देखते हैं उस पार्ट को सबसे पहली और सबसे काम की चीज़ जो है ना भाई वो देखो क्या है काम का सबसे पार्ट ये है कि जो भी आपके अल्केस होते हैं अल्केस अलकेस का नाम ही है भाई हाइड्रोकार्बन्स अल्केस को ही तो हम लोग हाइड्रोकार्बन्स भी बोलते हैं क्यों क्योंकि अल्केस में कौन से कौन से दो आइटम होते हैं सिर्फ और सिर्फ दो ही टाइप के आइटम होते हैं एक होता है आपका कार्बन दूसरा होता है आपका हाइड्रोजन तो आप लोगों ने यहाँ ये जाना कि आपके अल्केन में सिर्फ और सिर्फ दो ही टाइप के आइटम है कार्बन और हाइड्रोजन तो इसीलिए उसका नाम और क्या है हाइड्रोकार्बन आप जरा इधर देखो भाई ध्यान से देखेंगे ध्यान से अगर आप लोग ध्यान से देखते हो तो कार्बन और हाइड्रोजन है ध्यान से देखना ध्यान से आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा कि जो भी आपका एक सेकेंड जो भी आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है मतलब मैं ये कह सकती हूं कि जो भी आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना कार्बन की जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है कार्बन की वो नियरली सेम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन के, ये चीज सबसे काम का पॉइंट है कि जो भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना कार्बन की वो नियरली सेम है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन से मतलब दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है सेम है मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि जो भी आपका कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है वो कैसा रहेगा वो नॉन पोलर बॉन्ड रहेगा रीज़न क्या है सुनो रीज़न आपका ये है देखो ध्यान से देखना ध्यान से इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बिल्कुल इसके समान है मतलब कार्बन की जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उतनी ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन के ध्यान से सुनना और बताना मुझे अगर कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी है उतनी ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की है तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कि कार्बन कुछ और नहीं हाइड्रोजन का ही फॉर्म है और हाइड्रोजन कुछ और नहीं कार्बन का ही फॉर्म है हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ना क्यों ऐसा बोल सकते हैं हम लोग ऐसा बोल सकते हैं इसलिए क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो वैल्यू है कार्बन का वो नियरली सेम ही है मतलब नियरली सेम है मैं ऐसा नहीं बोल रही कि ऑलमोस्ट इक्वल है नियरली सेम है किसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन के मतलब कहीं ना कहीं ये दोनों सेम ही हैं तो आप लोगों ने यहाँ पे क्या देखा कि ये जो है ना ये नॉन पोलर बॉन्ड है यहाँ पे कोई भी पोलरिटी का डिफरेंस नहीं है क्यों पोलरिटी का डिफरेंस नहीं है उसका रीजन ये है क्योंकि जितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन की है उतनी ही नियरली सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन की है तो अगर दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम आ जाते हैं तो दोनों एटम का नेचर भी एक जैसा ही है अगर दोनों एटम का नेचर एक जैसा है तो क्या वहाँ पे कोई पोल डेवलप होंगे नहीं अगर इसके ऊपर प्लस आएगा तो इसके ऊपर भी प्लस ही आएगा इसके ऊपर माइनस आएगा तो इसके ऊपर भी माइनस आएगा क्यों रीजन ये है क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इक्वल है इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है नियरली सेम है अब सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होने के वजह से दोनों के दोनों आइटम भी एक जैसे ही हुए तो जो चार्ज इसके ऊपर आएगा वही इसके ऊपर आएगा तो क्या वहाँ पे कोई पोल डेवलप होंगे नहीं तो मॉलिक्यूल कैसा रहेगा नॉन पोलर मॉलिक्यूल समझ में आया तो चलिए समझते हैं इस चीज को सो so, आप लोगों ने यहाँ फर्स्ट पॉइंट ये देखा कि जो भी आपका कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है ना इसे नॉन पोलर बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एक नॉन पोलर बॉन्ड है अब आप लोग ही बताओ भाई अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर में नॉन पोलर बॉन्ड आता है तो वो मॉलिक्यूल का नाम भी क्या होगा नॉन पोलर मॉलिक्यूल अगर किसी नॉ अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर में नॉन पोलर बॉन्ड आता है तो वो मॉलिक्यूल का भी नाम क्या रहेगा नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो भाई देखो इसका नाम क्या रहेगा ध्यान से देखना ध्यान से हैंस द मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑफ हाइड्रोकार्बन मतलब ही अल्कि इज ऑल्सो कॉल्ड एज नॉन पोलर मॉलिक्यूल ठीक है भाई अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं आपको यहाँ पे जो याद रखना है ना वो ये है कि जो भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं वो आपको हमेशा वंडर वॉल फोर्सेस दिखाते हैं याद रखना है कि जो भी आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं जो भी आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं मतलब ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें पोल फॉर्म नहीं होते जिनमें चार्जेस नहीं आते हैं प्लस या माइनस चार्ज नहीं आता है वहां पर आपके कोई भी पोल्स फॉर्म नहीं होते इसलिए नाम क्या है नॉन पोलर मॉलिक्यूल तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल जो होते हैं वो शो करते हैं आपको वीक वेंडर वॉल फोर्सेस क्या शो करते हैं वो शो करते हैं वीक वंडर वॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन अब देखो वंडर वॉल फोर्सेस क्या चीज है सबसे पहले दिमाग में क्वेश्चन आता है वंडर वॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन क्या है याद रखना कि ये जो फोर्स है ना ये काफी ज्यादा वीक होते हैं बहुत ही कमजोर है बहुत ही वीक फोर्स है सेकेंड पॉइंट ये है कि ये आपको वंडर वर्ल्ड नाम के साइंटिस्ट ने बताया था इसलिए फिर उसका नाम भी तो देना पड़ेगा ना अगर वो साइंटिस्ट ने ये वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को समझाया तो वो साइंटिस्ट का नाम तो लेना ही पड़ेगा ना इसलिए इसका नाम क्या लिया जाता है पता है वंडर वर्ल्ड फोर्सेज ऑफ़ अट्रैक्शन क्योंकि वंडर वर्ल्ड नाम के साइंटिस्ट ने इसको एक्सप्लेन किया इसको डिस्कवर किया और ये जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होते हैं किसमें देखे जाते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूल में और ये जो फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन ये कैसे होते हैं बहुत ज़्यादा वीक होते हैं आई होप सभी को क्लियर हो गया चलिए आगे बढ़ते हैं अब आपको देखो आगे का पार्ट क्या याद रखना है कि जो भी आपके वंडरवॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं ना जो भी आपके वंडरवॉल फोर्सेस होते हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं सरफेस एरिया ऑफ मॉलिक्यूल को सरफेस एरिया ऑफ मॉलिक्यूल को वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं इतना चीज याद रखना कि वंडरवर्ल्व फोर्सेज डायरेक्टली प्रपोशनल होते हैं सरफेस एरिया ऑफ मॉलिक्यूल को ठीक है तो अब आप लोग बताओ भाई कि वंडर वॉल फोर्सेस डायरेक्टली प्रपोशनल है डायरेक्टली सरफेस एरिया ऑफ मॉलिक्यूल को तो अगर मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया है ज्यादा तो वंडर वॉल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी कैसे रहेंगे ज्यादा क्यों क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को कैसे है डायरेक्टली प्रपोशनल भाई अगर सरफेस एरिया ऑफ मॉलिक्यूल है कम अगर सरफेस एरिया ऑफ मॉलिक्यूल है कम तो वंडरवर्ल्ड फोर्सेस भी कैसे रहेंगे कम याद रखने का सरफेस एरिया मॉलिक्यूल का है ज्यादा तो वंडरवर्ल्ड फोर्सेस भी कैसे रहेंगे ज्यादा अगर सरफेस एरिया ऑफ मॉलिक्यूल है कम तो वंडरवर्ल्ड फोर्सेस भी कैसे रहेंगे कम क्यों क्योंकि दोनों के दोनों एक दूसरे को कैसे है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समझे या नहीं समझे, या नहीं? समझे अब जरा इधर आओ भाई ध्यान से देखना ध्यान से एकदम ध्यान से देखेंगे सॉरे की सॉरी एकदम ध्यान से देखो भाई एकदम ध्यान से कुछ एग्जाम्पल्स को अपन डिस्कस करते जिससे आपका कंसेप्ट जो है ना बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर होगा भाई चलिए भाई इधर देखो सारे के सारे इधर ध्यान से देखेंगे देखो भाई देखो ध्यान से देखो सारे के सारे एकदम ध्यान से देखो आपको यहां पे बताना है वॉल फोर्सेस का ऑर्डर कि सबसे ज्यादा वॉल फोर्सेस किस में रहेंगे और सबसे कम वॉल फोर्सेस किस में रहेंगे तो आपको यहाँ पे प्रेडिक्ट करना है प्रेडिक्ट ऑर्डर ऑफ वॉल फोर्सेस आपको यहाँ पे प्रेडिक्ट करना है ऑर्डर ऑफ वॉल फोर्सेस कि जो भी आपके वंडरवर्ल फोर्सेज है वो किस में ज्यादा रहेंगे और किस में कम रहेंगे वो आपको यहाँ पे प्रेडिक्ट करना है चलिए सभी लोग यहाँ पे एकदम ध्यान से देखो एकदम ध्यान से एकदम ध्यान से देखने का आप लोगों ने यहाँ पे क्या देखा कि यहाँ पे कितने कार्बन है यहाँ पे भी आपके कार्बन है चार यहाँ पे कितने कार्बन है यहाँ पे भी कार्बन है चार और यहाँ पे कितने कार्बन है यहाँ पे भी तो आपके कार्बन चार ही है मतलब तीनों के तीनों एग्जाम्पल में टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं फोर टोटल नंबर ऑफ कार्बन कैसे है सेम तो क्या अपन इसको डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं यस कंपेयर कर सकते हैं चलिए अब समझते हैं इधर देखो सारे के सारे आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा भाई कि देखो इसका सरफेस एरिया कैसा है ज़्यादा है ध्यान से देखो ध्यान से इसका जो सरफेस एरिया इसकी जो लंबाई है वो कैसी है भाई इसकी जो लंबाई है ना वो देखो कितनी ज़्यादा है है ना इसकी लंबाई ज़्यादा है मतलब इसका सरफेस एरिया भी ज़्यादा है इधर आओ इधर अगर मैं इसकी बात करती हूँ ध्यान से देखना ध्यान से तो आप लोगों ने यहाँ ये देखा इसकी जो लंबाई थी ना इसकी लंबाई थोड़ी कम थी तो इसका सरफेस एरिया भी कैसा हुआ थोड़ा कम हुआ अगर मैं इसकी बात करती हूँ ना तो इसकी लंबाई तो और भी कम है भाई इसकी लंबाई तो बहुत ही छोटी सी है तो इसका सरफेस एरिया तो भी क्या हुआ बहुत ही छोटा है याद रखना कुछ लोगों को समझ में नहीं आता है कि सरफेस एरिया सबसे ज़्यादा इसका या इसका है क्योंकि वो सोचते हैं ये मॉलिक्यूल तो मोटा है ये तो पतला है तो उनको समझ में नहीं आता कि पतले का सरफेस एरिया ज़्यादा है या मोटे वाले का तो याद रखना कि सरफेस एरिया को हम लोग अगर मॉलिक्यूल में प्रेडिक्ट करना है तो लंबाई से प्रेडिक्ट करते हैं यहाँ पे इसका लेंथ है बहुत ज़्यादा यहाँ पे इसकी लंबाई है बहुत ज़्यादा मतलब इसका सरफेस एरिया भी कैसा है बहुत ज्यादा यहाँ पे इसका लेंथ है कम यहाँ पे इसकी लंबाई है कम तो इसका सरफेस एरिया भी कैसा रहेगा कम अब जरा इधर देखो भाई सारे के सारे इधर देखो क्या बताया था अगर मॉलिक्यूल की लंबाई है ज्यादा अगर मॉलिक्यूल की लेंथ है ज्यादा तो मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया भी कैसा रहेगा ज़्यादा और अगर मॉलिक्यूल का सरफेस एरिया ज्यादा है ज़्यादा तो वनटरवल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन भी कैसे रहेंगे ज़्यादा क्यों क्योंकि वंडर वर्ल्ड फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया ऑफ मॉलिक्यूल तो अगर लेंथ है ज्यादा अगर सरफेस एरिया है ज़्यादा तो वनडरवर्ल फोर्सेस भी कैसे रहेंगे ज्यादा तो आप लोगों ने यहाँ पे ये देखा भाई कि इसमें जो सरफेस एरिया है ना इसमें आपका सरफेस एरिया कैसा है लार्ज लार्ज सरफेस एरिया इसमें सरफेस एरिया कैसा है इसमें आपका सरफेस एरिया मॉडरेट है या आप ऐसे बोल सकते हो मीडियम है मीडियम बोलो मॉडरेट बोलो जैसा आपको सही लगता है वैसा बोलो ठीक है और इसमें कैसा है इसमें आपने ये देखा कि यहाँ पे आपका जो सरफेस एरिया है वो कैसा है भाई यहाँ पे आपका जो सरफेस एरिया है वो है स्मॉल तो आप लोगों ने यहाँ पे क्या देखा आप लोगों ने यहाँ ये देखा कि यहाँ पे वंडर वॉल फोर्सेस कैसे रहेंगे यहाँ पे आपके वंडर वॉल फोर्सेस कैसे रहेंगे बहुत ज्यादा हाई यहाँ पे आपके वंडर वॉल फोर्सेस कैसे रहेंगे मॉडरेट और लास्ट वाले में आपके जो भी वंडरवॉल फोर्सेस रहेंगे आर स्मॉल आई होप सभी को ये पॉइंट क्लियर हुआ है कि वंडरवॉल फोर्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो टू सरफेस एरिया अगर लेंथ ज्यादा है लंबाई ज्यादा है तो सरफेस एरिया भी ज्यादा रहेगा तो वंडरवॉल फोर्सेस भी कैसे रहेंगे ज्यादा तो ऐसे आप प्रेडिक्ट कर सकते हो अब कुछ लोग सोचेंगे कि इसमें तो बॉइलिंग पॉइंट भी पढ़ा है बुक में आपने तो हमको बॉइलिंग पॉइंट पढ़ा है नहीं स्किप कर दिया अरे भाई ऐसा मत सोचना क्या आज तक कभी ऐसा हुआ है कि मैंने कुछ स्किप कर दिया और मैं आगे बढ़ गई क्योंकि वो टफ था ऐसा कभी नहीं हुआ भाई टफ़ से टफ़ को भी अपन ने खींच के पकड़ के लाया और वो भी एलोबरेट करके बताया कि ऐसा ऐसा होता है तो अपन अब बॉइलिंग पॉइंट को अलग से डिस्कस करेंगे क्योंकि मुझे इसको इसको कोरिलेट नहीं करवाना है। ये एक अलग चीज़ है अब बॉइलिंग पॉइंट का देखो कौन से कौन से फैक्टर्स होते हैं कौन से कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं वो सब अपन देखते हैं सबसे पहले इस पार्ट का सभी के सभी क्या कर लेंगे स्क्रीन चलिए भाई तो हम लोगों ने प्रिपरेशन ऑफ अल्किन्स को मतलब हाइड्रोकार्बन्स को कंप्लीट किया फिजिकल प्रॉपर्टी को कंप्लीट किया जिसमें देखा कि पोलैरिटी कैसी होती है ठीक है तो अब हम लोग देख रहे हैं आपका आगे का पार्ट जिसमें हम लोग देखेंगे कि फिजिकल प्रॉपर्टी में बॉइलिंग पॉइंट का क्या रोल है boiling पॉइंट को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं उसको भी एक बार देख लेते हैं क्विकली रिवाइज करते हैं क्योंकि ये चीज भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके बाद में हम लोग देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोकार्बन्स को तो चलिए सबसे पहले देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट को जो कि है आपकी फिजिकल प्रॉपर्टी का ही पार्ट ध्यान से देखना भाई ध्यान से जो भी आपका बॉइलिंग पॉइंट रहता है जो भी आपका बॉइलिंग पॉइंट रहता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर मास तो बॉइलिंग पॉइंट कैसा रहता है भाई बॉइलिंग पॉइंट रहता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर मास और रहता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग तो ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिकुलर मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग समझे या नहीं समझे ये रिलेशन है अब ये रिलेशन कैसे क्या आ रहा है कहाँ से आ रहा है उसको भी डिस्कस करते हैं थोड़ा वेट करो ठीक है ध्यान से देखेंगे भाई सभी लोग यहाँ पे एकदम ध्यान से देखेंगे ठीक है अपन सबसे पहले की एग्जाम्पल को कंसिडर करते हैं चलिए भाई यहाँ पे देखो ध्यान से देखेंगे ध्यान से आप लोगों ने देखो ये एग्जाम्पल में क्या ऑब्जर्व किया आप लोगों ने यहाँ ये देखा कि यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन आइटम आपके कितने हैं फर्स्ट वाले केस में इथेन में आपके नंबर ऑफ़ कार्बन आइटम है दो यहाँ पे देखो आपके नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं थ्री कार्बन है यहाँ पे कितने हैं भाई आपके नंबर ऑफ कार्बन फोर कार्बन ठीक है और यहाँ पे आपके नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं भाई फाइव कार्बन तो आप लोगों ने यहाँ ये देखा कि ये सारे के सारे तो आपके भाई अल्किस के एग्जाम्पल्स है, है ना और ये सब में क्या नंबर ऑफ़ कार्बन आइटम सेम है इसमें दो है इसमें तीन है इसमें चार है इसमें पाँच है इसमें छ तो मतलब नंबर ऑफ़ कार्बन आइटम्स जो है वो चारों के चारों एग्जाम्पल में कैसे है डिफरेंट है चलिए इधर देखते अगर नंबर ऑफ कार्बन आइटम है ज़्यादा तो मोलिकुलर मास भी कैसा रहेगा ज्यादा समझे या नहीं समझे इधर देखो भाई सीधी सीधी बात एक कार्बन का मतलब बारह होता है है ना तो अगर कार्बन पाँच है तो बहुत ज़्यादा होगा ना ट्वेल्व फाइजा कितना होता है जल्दी बताओ भाई ट्वेल्व फाइजा सिक्सटी होता है, है ना तो जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ़ कार्बन आइटम बढ़ते हैं वैसे वैसे मोलिकुलर मास भी क्या होगा बढ़ेगा ना सोचने की बात है भाई अगर मॉलिक्यूल बढ़ते हैं अगर नंबर ऑफ कार्बन आइटम बढ़ते हैं है ना तो आपका मोलिकुलर मास भी कैसा होगा इंक्रीज होगा इधर देखो भाई इधर देखो जैसे आप ऊपर से नीचे गए तो आप लोगों ने यहाँ ये देखा कि जो भी आपके नंबर ऑफ कार्बन आइटम थे ना वो इंक्रीज हो रहे थे अगर नंबर ऑफ कार्बन आइटम इंक्रीज होते हैं तो जो भी आपका मोलिकुलर मास है ना मोलिकुलर मास वो भी क्या होगा वो भी इंक्रीज होगा अगर मोलिकुलर मास इंक्रीज होता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा इंक्रीज होगा कैसे क्या भाई एकदम से कैसे क्या बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया कुछ समझा ही नहीं कुछ समझा ही नहीं अरे जरा इधर देखो बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिकुलर मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर मॉलिकुलर मास का वैल्यू है ज़्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू भी कैसा रहेगा ज़्यादा अगर मोलिकुलर मास का वैल्यू है कम, तो बॉइलिंग पॉइंट का वैल्यू भी कैसा रहेगा कॉम ऐसा क्यों हुआ क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट कैसा है डायरेक्टली प्रपोर्सनल है मोलिकुलर मास को नीचे जाने से आपने क्या देखा नंबर ऑफ कार्बन आइटम क्या हो रहे थे भाई इंक्रीज हो रहे थे अगर नंबर ऑफ कार्बन आइटम होते हैं इंक्रीज, तो मोलिकुलर मास भी कैसा होगा इंक्रीज अगर मोलिकुलर मास इंक्रीज होता है तो आप लोग ही बता दो भाई बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा बॉइलिंग पॉइंट भी आपका इंक्रीज ही तो होगा समझे या नहीं समझे जल्दी चल बताओ चलिए भाई चलिए आगे बढ़ते अभी थोड़ा सा ध्यान देंगे सभी लोग यहाँ पे एकदम ध्यान देंगे ठीक है अब देखो हम लोग क्या कर रहे हैं सभी लोग यहाँ पे ध्यान से देखेंगे एक नेक्स्ट एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं आपको पता होना चाहिए ना भाई कि इस टाइप के भी एग्जाम्पल पेपर में आ सकते हैं चलिए भाई सभी लोग यहाँ पे ध्यान से देखो ध्यान से देखेंगे एकदम ध्यान से देखने का भाई ना एकदम ध्यान से आप लोगों ने यहाँ पे देखो क्या ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे आपके नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने हैं यहाँ पे आपके नंबर ऑफ कार्बन आइटम है भाई फाइव नीचे आओ यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन आइटम कितने हैं भाई यहाँ पे भी आपके नंबर ऑफ़ कार्बन है फाइव तो फाइव नीचे आओ नीचे यहाँ पे देखो यहाँ पे आपके नंबर ऑफ़ कार्बन आइटम कितने हैं यहाँ पे भी तो आपके नंबर ऑफ़ कार्बन आइटम फाइव है तो आप लोगों ने यहाँ ये यह देखा भाई कि तीनों के तीनों एग्जाम्पल में आपके नंबर ऑफ़ कार्बन आइटम कैसे है सेम है यहाँ पे भी नंबर ऑफ़ कार्बन आइटम फाइव ही है यहाँ पे भी फाइव है यहाँ पे भी फाइव है इससे आप लोग क्या प्रेडिक्ट कर सकते हो आप लोगों ने सबसे पहला पॉइंट ये देखा कि तीनों के तीनों है, तीनों के तीनों हाइड्रोकार्बन है क्योंकि यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं सिर्फ और सिर्फ आपको कार्बन और हाइड्रोजन ही दिख रहे हैं मतलब सारे के सारे आपके हाइड्रोकार्बन है एग्री करते हैं या नहीं फिर सेकेंड पॉइंट क्या देखा कि सारे के सारे हाइड्रोकार्बन तो है लेकिन एक और बात तीनों की खास है वो ये है कि सभी में नंबर ऑफ कार्बन आइटम कैसे है सेम अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम आते हैं सेम तो मोलिकुलर मास भी सबका कैसा रहेगा सेम तो आप लोग ही बताओ क्या फिर आप लोग इनका बॉइलिंग पॉइंट कंपेयर कर सकेंगे मोलिकुलर मास के वैल्यू को देख कर तो अब आप मोलिकुलर मास के वैल्यू को देख के बॉइलिंग पॉइंट का बता ही नहीं सकते किसका ज्यादा है किसका कम है क्यों क्योंकि तीनों के तीनों हाइड्रोकार्बन तो है तीनों के तीनों में नंबर ऑफ कार्बन एटम तो सेम है अगर नंबर ऑफ कार्बन आइटम है सेम तो मोलिकुलर मास सेम है मतलब मोलिकुलर मास को देख के तो आप बॉइलिंग पॉइंट नहीं बता सकते फिर आप किसको देख के बताएंगे बॉइलिंग पॉइंट ब्रांचिंग को देख के जरा इधर देखो भाई आप लोगों ने यहाँ ये देखा कि इसमें कोई भी ब्रांच नहीं है देखो नहीं सीधा साधा है क्या इसमें कोई आपको ऊपर नीचे ब्रांचिंग दिख रही है ब्रांचिंग मतलब ये झाड़ की ऐसी ऐसी ब्रांचिंग रहती है ना वो क्या यहाँ पे कोई ब्रांचिंग दिख रही है नहीं यहाँ पे देखो यहाँ पे आप लोगों ने यहाँ क्या देखा यहाँ पे आपको एक ब्रांचिंग दिख रही है यहाँ पे ब्रांचिंग एक है नीचे और नीचे यहाँ पे देखो भाई क्या देखा यहाँ पे तो आपकी ब्रांचिंग दो दो है भाई दो दो यहाँ पे तो ब्रांचिंग और भी ज्यादा है तो आप लोगों ने क्या देखा फर्स्ट वाले केस में तो ब्रांचिंग है ही नहीं सेकेंड वाले एग्जाम्पल में ब्रांचिंग एक है दिख रही है ना देखो ये एक ब्रांच फूलगोभी जैसा दिख रहा है वो और नीचे में तो दो दो ब्रांचिंग है तो आप लोगों ने यहाँ ये देखा कि नीचे जाने से आपके जो भी ब्रांचिंग है वो क्या होती है नीचे जाने से आपकी जो भी ब्रांचिंग है ना नीचे जाने से आपकी जो भी ब्रांचिंग है ना भाई वो क्या है वो इंक्रीज हो रही है वो बढ़ रही है अगर ब्रांचिंग इंक्रीज होती है तो बॉइलिंग पॉइंट कैसा होगा डिक्रीज क्यों क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट इज इन वर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग बॉइलिंग पॉइंट कैसा है भाई बॉइलिंग पॉइंट आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ब्रांचिंग को तो अगर ब्रांचिंग है ज़्यादा तो बॉइलिंग पॉइंट कैसा रहेगा कम क्यों क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को इन्वर्सली प्रपोर्शनल है ये तीनों केसेस में मोलिकुलर मास सेम था क्योंकि तीनों के तीनों हाइड्रोकार्बन है नंबर ऑफ कार्बन आइटम भी सेम है सेकेंड पॉइंट नीचे जाने से ब्रांचिंग बढ़ती है देखो न भैया एक ही ब्रांचिंग है यहाँ तो दो दो ब्रांचिंग है दो दो नीचे जाने से ब्रांचिंग होती है इंक्रीज अगर ब्रांचिंग इंक्रीज होगा तो नीचे जाने से जो भी आपका बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगा वो डिक्रीज होगा क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ब्रांचिंग तो सबसे ज्यादा इसका रहेगा फिर इसका रहेगा और सबसे लास्ट में इसका ठीक है तो ये बॉइलिंग पॉइंट का पार्ट हुआ जल्दी से इस पार्ट का स्क्रीनशॉट लो फिर बढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज या केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्केन्स चलिए भाई अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ तो सारी हो गई पोलैरिटी बॉइलिंग पॉइंट अब इसके बाद अपन किसको देखेंगे आप लोग ही बताओ भाई फ़िजिकल प्रॉपर्टी के बाद में कौन सी प्रॉपर्टी आती है अरे केमिकल प्रॉपर्टी आती है भाई चलिए देखते हैं सारे के सारे केमिकल प्रॉपर्टी को ये केमिकल प्रॉपर्टी कैसे होती है आपके हाइड्रोकार्बन्स की अब जरा इधर देखो जो भी आपकी केमिकल प्रॉपर्टी होती है ना भाई केमिकल प्रॉपर्टी उसमें अपन देखते हैं कि कैसे क्या हम लोग हाइड्रोकार्बन से अलग अलग प्रोडक्ट को बनाएंगे मतलब हम लोग बेसिकली डिस्कस करते हैं कि हाइड्रोकार्बन से कैसे क्या आप लोग हल्की लाइट को बनाएंगे अलग अलग डेरिवेटिव्स को बनाएंगे वो सारी चीज़ें अपन डिस्कस करते हैं ठीक है मैथड ऑफ प्रिपरेशन में देखते हैं कैसे उसको बनाएंगे केमिकल प्रॉपर्टी में देखते हैं कि उसका यूज़ करके कैसे अलग अलग चीज़ों को बनाएंगे ठीक तो है तो चलिए देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टी या केमिकल रिएक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे क्लोरीनेशन को क्या डिस्कस करेंगे भाई उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन को कि आपके मीथेन का हम लोग क्लोरीनेशन कैसा करवाते हैं सबसे पहले और सबसे काम की चीज़ तो ये मीथेन क्या चीज़ है याद रखना जो एक कार्बन वाला अल्केन होता है मतलब ही सी एच फोर उसी को आप लोग सारे के सारे क्या बोलते हो मीथेन बोलते हो ठीक है चलिए समझते हैं इस चीज़ को कि कैसे क्या आपको आखिरी ये रिएक्शन करने की है ठीक है भाई सभी लोग यहां पे एकदम ध्यान से देखेंगे सारी चीजें आपको ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगी सबसे पहले आप लोग मिथेन को लेंगे ये है आपका मिथिन मिथिन का मतलब ही क्या होता है मिथिन का मतलब ही होता है सी एच फोर तो देखो ये एक सी है और टोटल हाइड्रोजन कितने हैं चार तो वन टू थ्री फोर ठीक है भाई चलो अब देखो मैं क्या कर रही हूँ मैं इसके अंदर में डाल रही हूँ क्लोरीन को दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि क्लोरीन ही क्यों डाल रहे हैं सबसे पहला दिमाग में क्वेश्चन आता है कि क्लोरीन क्यों डाल रहे हैं भाई और कुछ क्यों नहीं डाल रहे हैं क्योंकि नाम ही है क्लोरिनेशन अगर नाम ही क्लोरिनेशन है तो डालेंगे भी क्या क्लोरीन ही तो डालेंगे भाई ऐसे मत करो सारे के सारे इधर देखो अब देखो क्या होगा ध्यान से देखो ध्यान से एकदम ध्यान से देखना होता क्या क्या है ध्यान से देखते जाओ सारी चीजें आपको समझ में आएंगी इसके अंदर अपन लोग डालते हैं अल्ट्रा वायलेट लाइट को क्या डालते हैं अल्ट्रा वायलेट लाइट अल्ट्रा वायलेट लाइट की जगह पे आप इसको हीटिंग भी करवा सकते हो डेल्टा का मतलब क्या होता है डेल्टा का ही मतलब होता है हीटिंग अब दिमाग में क्वेश्चन आता है ये यूवी लाइट मतलब ये अल्ट्रा लाइट कहाँ से लाए हम हमारे पास तो है नहीं अरे सन लाइट है या नहीं है सन को देखा है या नहीं देखा है देखा है ना तो सूरज की जो किरने होती है सनरेज जो होती है उसमें कौन सा लाइट बेसिकली होता है इट्स ऑलरेडी इट्स इट्स अल्ट्रा वायलेट लाइट ठीक है वो आपका अल्ट्रा वायलेट लाइट होता है तो याद रखना है अलग से कहीं से अल्ट्रा वायलेट सोर्स लाने की जरूरत नहीं है वैसे तो अल्ट्रा वोलेट लाइट के सोर्सेस होते हैं लेकिन इतना तो खर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है जब अपने पास सनलाइट है सनलाइट में अल्ट्रा वॉयलेट रेडिएशन है तो उससे अपना काम जम जाएगा ठीक है चलिए अब देखो यहाँ पे क्या होगा एकदम ध्यान से देखना भाई एकदम ध्यान से देखेंगे ये जो सी एल टू है ना देखो इसी सी एल टू को हम लोग और कैसे लिख सकते हैं ध्यान से देखो भाई ध्यान से इसी सी एल टू को क्या हम लोग ऐसा नहीं लिख सकते क्या बिल्कुल लिख सकते हैं भाई क्यों नहीं लिख सकते बिल्कुल लिख सकते तो याद क्या रखना है यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं दो यहाँ पे भी आपके क्लोरीन कितने हैं दो तो आप लोगों ने यहाँ क्या देखा कि क्लोरीन जो है वो तो दो है है ना सी एल टू को ऐसा लिखो या ऐसा लिखो कोई फर्क थोड़ी पड़ता है है तो वो सी एल टू ही है तो वो क्लोरीन ही ना भाई अब जरा इधर देखो करने का क्या है ध्यान से देखो ध्यान से एकदम ध्यान से देखने का सबसे पहले सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट एच को कर देंगे रिएक्शन के बाद। सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट एच को कर देंगे घर के बाहर कर दिया भाई मैंने एच को घर के बाहर कर दिया अब क्या करना है ज़रा इधर देखो जो भी चीज़ बच जाएगी ना जो भी चीज़ बच जाएगी ना उनको जोड़ देंगे उनको चिपका देंगे और प्रोडक्ट को बना लेंगे भाई समझे या नहीं समझे तो देखो करना क्या है आपको ध्यान से देखेंगे भाई सभी लोग यहाँ पे एकदम ध्यान से देखो कि आपको करना क्या है सबसे पहले छोटे मोटे बाई प्रोडक्ट एच सी एल को कर देंगे घर के बाहर सबसे पहले छोटे मोटे बाई प्रोडक्ट एच सी एल को कर देंगे रिएक्शन के बाहर जो भी चीज बच जाएगी ना जो भी चीज बच जाएगी ना उनको जोड़ देंगे उनको चिपका लेंगे और प्रोडक्ट को बना लेंगे काम खत्म इधर देखो भाई यह है कार्बन कार्बन ये है आपका हाइड्रोजन हाइड्रोजन ये भी है आपका हाइड्रोजन हाँ भाई है ये भी आपका हाइड्रोजन ही हाँ ना है ना अब जरा आगे तो बताओ देखो तो सही इसको और इसको क्या करने का है जोड़ने का है चिपकाने का है सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट एक्सेल को कर दिया घर के बाद रिएक्शन के बाद जो भी चीज बच जाएगी ना जो भी चीज़ बच जाएगी ना उसको जोड़ देंगे तो चलो भाई इसको जोड़ दो इसके साथ में तो यहाँ पे आपका क्या आएगा यहाँ पे आपका आएगा क्लोरिन ठीक है अब देखो आगे क्या होगा ध्यान से देखना ये तो हुई आपकी फर्स्ट वाली रिएक्शन अब अपन सेकेंड रिएक्शन को डिस्कस करते हैं कि सेकेंड रिएक्शन कैसे क्या होगी देखो भाई इधर ध्यान से देखो ध्यान से एकदम ध्यान से देखने का सारे के सारे एकदम ध्यान से देखेंगे बस इधर देखो सारे के सारे सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट एच सी एल को कर देंगे घर के बाहर सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट एच सी एल को कर देंगे रिएक्शन के बाद कर दिया भाई मैंने एच सी एल को घर के बाहर कर दिया भाई मैंने आपके एच सी एल को रिएक्शन के बाहर दिमाग में क्वेश्चन आता है ये एच सी एल इच क्यों रिमूव कर रहे सी एल सी एल को क्यों नहीं किया अरे भाई अगर मैं ये सी एल और सी एल को बाहर रिमूव करूंगी तो रिमूव करके क्या मतलब क्योंकि मैं ऐड भी तो सी एल सी एल ही कर रही हूँ अगर मैं ऐड भी सी एल सी एल ही करूँगी और रिमूव भी सी एल सी एल करूँगी तो रिएक्शन विल बी यूजलेस फॉर मी राइट तो इसलिए अपन लोग क्या कर रहे हैं सबसे पहले किसको बाहर करेंगे एच सी एल को तो यहाँ पे था एच यहाँ पे था सीएल कर दिया भाई एच सी एल को बाहर अब देखो क्या करने का है जो भी चीज़ बच जाएगी ना जो भी चीज़ बच जाएगी ना उनको जोड़ देंगे उनको चिपका देंगे और प्रोडक्ट को बना लेंगे भाई समझे या नहीं समझे इधर आओ सारे के सारे यहाँ पे देखो आपका क्या क्या बचा है ये है आपका कार्बन ये है हाइड्रोजन ये भी है आपका हाइड्रोजन भाई हाँ भाई है ये है आपका सी अब देखो क्या हुआ ध्यान से देखना ध्यान से सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट एच को कर दिया घर के बाहर सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट एक्स को कर दिया रिएक्शन के बाद जो भी चीज़ बच जाएगी क्या करेंगे जोड़ देंगे तो इसको किसके साथ जोड़ेंगे क्लोरीन के साथ तो यहाँ पे क्या आएगा यहाँ पे एक और क्लोरीन आएगा अब देखो तीसरी रिएक्शन देखो भाई तीसरी रिएक्शन ध्यान से देखना ध्यान से चलो भाई इधर आ जाओ ध्यान से देखना ध्यान से सारे के सारे एकदम ध्यान से देखेंगे करने का क्या है भाई बस वही काम करना है कुछ नया थोड़ी करना है सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट एच सी एल को कर देंगे घर के बाहर सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट एच सी एल को कर देंगे रिएक्शन के बाहर कर दिया भाई मैंने एच सी एल को रिएक्शन के बाहर कर दिया भाई मैंने एच सी एल वाले बाय प्रोडक्ट को घर के बाहर अब क्या करेंगे करना क्या है भाई बस वही करेंगे जो भी चीज़ बच जाएगी ना जो भी चीज़ बच जाएगी ना उनको जोड़ देंगे उनको चिपका देंगे और प्रोडक्ट को क्या करेंगे भाई बना लेंगे इधर आओ इधर आओ इधर आओ सारे के सारे ये है आपका कार्बन ध्यान से देखना ध्यान से ये है आपका हाइड्रोजन ये वाला क्लोरीन तो पहले से था तो ये क्लोरीन हुआ ये वाला क्लोरीन भी पहले से था ये हुआ आपका सेकेंड क्लोरीन अब आप लोग ही बता दो भाई यहाँ पे भी क्या आएगा यहाँ पे भी तो क्लोरीन ही आएगा ना करने का कुछ भी नहीं सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट एक्सेल को कर देंगे घर के बाहर रिएक्शन के बाहर जो भी चीज़ बच जाएगी उनको जोड़ देंगे उनको चिपका लेंगे और प्रोडक्ट को बना लेंगे ठीक है चलो आगे बढ़ते लास्ट वाली फोर्थ रिएक्शन भी देख लेते कि कैसे क्या होंगी भाई ठीक है भाई इधर आ जाओ क्या करेंगे वही काम करना है कुछ नया नहीं करना है सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट एच सी एल को कर देंगे घर के बाहर सबसे पहले छोटे मोटे बाय प्रोडक्ट एच सी एल को कर देंगे रिएक्शन के बाहर कर दिया भाई एच सी एल को मैंने रिएक्शन के बाहर अब क्या करेंगे वही काम करना है जो भी चीज़ बच जाएगी ना जो भी चीज़ बच जाएगी ना उसको जोड़ देंगे उसको छुपका लेंगे और प्रोडक्ट को बना लेंगे वही तो करना है इधर आओ सारे के सारे ये है आपका कार्बन हाँ भाई कार्बन है अब देखो आपने क्या देखा पहले से तीन क्लोरीन तो पहले से थे एक क्लोरीन सेकेंड क्लोरीन थर्ड क्लोरीन अब ये एच तो बाहर निकल गए तो इसको इसके साथ जोड़ दिया तो यहाँ पर भी क्या आ गया क्लोरिन आ गया यहाँ पे आपने एक चीज़ ऑब्जर्व किया कि जरा ध्यान से देखो यहाँ पे आपने जो एक चीज़ ऑब्जर्व की ना भाई सभी केसेस में वो ये ऑब्जर्व किया कि हर जगह पे देखो बताती हूँ मैं ध्यान दो आप लोगों ने यहाँ ये ऑब्जर्व किया भाई कि पहले एक क्लोरीन आया फिर दो क्लोरीन आए फिर तीन क्लोरीन आए और फिर चार क्लोरीन आए है, है ना तो यहाँ पे क्या हो रहा है क्लोरीन का नंबर जो है वो बढ़ते जा रहा है है ना नंबर ऑफ़ क्लोरीन आइटम्स जो है वो बढ़ते जा रहे हैं इस रिएक्शन को क्लोरीनेशन भी बोलते हैं क्योंकि अगर क्लोरीन एक ऐड करो या क्लोरीन चार ऐड करो ऐड किसको किया क्लोरीन को किया ना तो रिएक्शन का नाम भी क्या रहेगा क्लोरीनेशन ही तो रहेगा ना भाई आप लोग ही बताओ ऐसी कैसी बातें कर रहे हो चलो ठीक है ये तो हो गया भाई अब जरा इधर आओ आपको बस इतना याद रखना है कि सी एल टू को हम लोग क्लोरीन बोलते हैं अब ये सारी चीज़ों को रिएक्टेंट को याद नहीं रखा तो भी चलता है क्यों क्योंकि सी एच फोर मिथिन होता है और जो प्रोडक्ट यहाँ बन रहा है वही तो यहाँ ले रहे फिर जो यहाँ बना वो यहाँ लिया जो यहाँ बना वो यहाँ लिया तो नाम अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया तो मेरा काम हो जाएगा चलो अब अब, अब अपन लोग नाम लिखते हैं कि नाम क्या है ध्यान देना भाई सभी लोग यहाँ पे एकदम ध्यान से देखेंगे इसका नाम देखो क्या है यहाँ पे क्लोरीन कितना आया एक तो आप लोग इसको बोलेंगे क्लोरोमिथिन और उसका नाम हाइड्रोजन क्लोराइड यहाँ पे क्लोरीन एक ही है तो आप इसको मोनो भी लिख सकते हैं क्योंकि एक ही क्लोरीन है या क्लोरोमिथिन भी लिख सकते हैं यहाँ पे आपके क्लोरीन कितने हैं दो अगर दो क्लोरीन, आते, तो है? अगर क्लोरीन आते हैं तो नाम क्या रहेगा डाईक्लोरोन अब आगे बढ़ते हैं। अगर क्लोरीन तीन आते हैं तो नाम क्या रहेगा भाई नाम रहेगा आपका ट्राईक्लोरोन आगे आओ आगे अगर क्लोरीन चार रहते हैं चार तो नाम क्या रहेगा नाम रहेगा आपका टेट्रा क्लोरोन समझे या नहीं समझे जल्दी बताओ भाई समझे या नहीं समझे अब याद रखना सी एच सी एल थ्री को ही क्लोरोफॉर्म भी बोलते हैं ये बुक में नहीं दिया है लेकिन मैं आपको बता रही हूँ एडिशनली क्योंकि ये काम का पॉइंट है सीएचसीएल थ्री को ही हम क्लोरोफॉर्म भी बोलते हैं ठीक है तो जैसे नाम वैसे काम नाम को रटना मत मारो एक है तो क्लोरो या मोनोक्लोरो दो क्लोरीन है तो डाई क्लोरो किसका डेरेविटिव है मिथेन का ना तो मिथेन आएगा तीन क्लोरीन है तो ट्राई क्लोरो और चार क्लोरीन है तो टेट्रा क्लोरो मीथेन चलो ये तो हो गया अब दिमाग में क्वेश्चन आता है कि ये सारी के सारी क्या रिएक्शन अपने आप हो रही है क्या कुछ तो कंडीशन होगी ना कि ये ही बनेगा कुछ तो कंडीशन होगी कि यही बनेगा क्या होगा ऐसा क्या होगा जब ये सब होगा तो चलिए समझते हैं उस पॉइंट को वो बहुत काम का पॉइंट है आप लोगों को यहाँ पे ये याद रखना है कि ये जो फर्स्ट वाली आपकी रिएक्शन है फर्स्ट वाली रिएक्शन फर्स्ट वाली रिएक्शन तब होती है वैन मिथेन इज इन एक्सेस एंड क्लोरीन इज लेस याद रखना भाई कि फर्स्ट वाली रिएक्शन कब होती है फर्स्ट वाली रिएक्शन तब होती है जब मिथेन बहुत सारा हो जब सी एच फोर मतलब मिथेन एक्सेस में हो एक्सेस का मतलब क्या होता है एक्सेस का मतलब होता है भाई बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा मतलब ही एक्सेस ज्यादा को आप बहुत सारा भी बोल सकते हो ठीक है और लेस का मतलब क्या होता है कम तो याद रखना है कि अगर आपने मीथेन को बहुत ज़्यादा लिया अगर आपने सी एच फोर को बहुत ज़्यादा लिया और क्लोरीन को बहुत कम लिया है ना तो आपका फर्स्ट वाला रिएक्शन होगा दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि हमको कैसे याद रहेगा कि फ़र्स्ट वाले रिएक्शन में मीथेन बहुत ज़्यादा लेना और क्लोरीन कम लेना है अरे भाई इधर देखो इधर देखो सारे के सारे नाराज़ क्यों होते हो ज़रा इधर देखो यहाँ पे क्लोरीन कितना ऐड हुआ एक ही क्लोरीन ऐड हुआ इससे पता क्या चलता है यहाँ पे क्लोरीन सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐड हुआ एक पता क्या चला कि क्लोरीन कम है भाई क्लोरीन कम है अंदर की बात पता लगी क्लोरीन एक ही ऐड हुआ अंदर की बात पता लगी क्लोरीन कम है आप लोग ही बताओ अगर क्लोरीन कम रहेगा अगर क्लोरीन कम रहेगा तो ये कैसा रहेगा ज़्यादा रहेगा सी एच फोर कैसा रहेगा एक्सेस में रहेगा इसलिए आपका फर्स्ट वाला जो प्रोडक्ट है या फर्स्ट वाली जो रिएक्शन है वो तभी होती है क्योंकि वहां पे क्लोरीन तो एक ही है ना तो उससे क्या अंदर की इंफॉर्मेशन आपको पता चली कि वहां पे क्लोरीन कैसा है कम है अगर क्लोरीन कम है तो मीथेन कैसा रहेगा ज्यादा मीथेन कैसा रहेगा एक्सेस में नीचे आओ नीचे लास्ट वाली रिएक्शन को देख के आपने क्या ऑब्जर्व किया भाई लास्ट वाली रिएक्शन को देख के आपने यहाँ ये ऑब्जर्व किया कि वैन वैन क्लोरीन इज इन एक्सेस वैन क्लोरीन इज इन एक्सेस एंड सी एच फोर इज लेस ये आपने लास्ट वाले रिएक्शन में देखा एक्सेस का मतलब क्या होता है एक्सेस का मतलब होता है ज्यादा और लेस का मतलब क्या होता है भाई कम होता है इधर देखो भाई सारे के सारे इधर ध्यान से देखेंगे आप लोगों ने यहाँ ये देखा कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना उसमें क्लोरीन कैसे है बहुत ज़्यादा चार चार क्लोरीन है भाई चार चार क्लोरीन यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना उसमें क्लोरीन कितने हैं ज्यादा है ज्यादा क्लोरीन कैसे है ज्यादा अगर क्लोरीन ज्यादा है तो उससे आपको अंदर की क्या इंफॉर्मेशन पता चली भाई जल्दी बताओ सारे के सारे चुपचाप बताना यहाँ पे क्लोरीन है ज्यादा नंबर ऑफ क्लोरीन भी है ज्यादा मतलब क्लोरीन भी कैसा होगा जो आपने लिया है वो भी कैसा रहेगा ज्यादा यहाँ पे आपका क्लोरीन कैसा है भाई ज्यादा अब आप लोगों बता दो अगर क्लोरीन ज़्यादा है तो मीथेन कैसा रहेगा कम ही रहेगा नहीं? तो यहाँ पे मीथेन कैसा है लेस तो अगर क्लोरीन एक दिखता है क्लोरीन कम है मतलब क्लोरीन भी कम ले आए तो मीथेन एक्सेस में अगर क्लोरीन ज़्यादा दिखते हैं प्रोडक्ट में तो क्लोरीन ज़्यादा ले आए क्लोरीन एक्सेस में लिया तो मीथेन कैसा रहे कम ही रहेगा जल्दी से स्क्रीन लो इस पार्ट का चलिए भाई तो रट्टा मत मारो कि फर्स्ट वाले रिएक्शन में मीथेन एक्सेस में लिया है क्लोरीन कम लिया है फर्स्ट वाले ऐसा रट्टा मत मारो समझ समझ के बढ़ाओ देखो मैंने कैसे समझा के बताया ऐसा बताया ना कि अब तो आप शायद इसको लाइफ टाइम नहीं भूलेंगे कि यहाँ पे एक्सेस में क्या था और कम क्या था येस और नो ठीक है थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कीप और वॉचिंग माई वीडियो प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल थैंक यू वेरी मच